डियर, तो आज तो इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों का हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस टाइप के सवाल सभी प्रकार के लगभग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो SI हो, चाहे वो SSGD हो, MTS हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम में, इवन स्टेट PSA में भी पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम एट 8% पर एनम, 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 240। फाइन सम मतलब यहां बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है किसी सम का, किसी मूलधन का 8% दर पर प्रति वर्ष 2 वर्ष में 240 रुपया। तो बताइए वो सम क्या है। सम मतलब होता है प्रिंसिपल। सवाल फिर से मैं दोहराता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में किसी निश्चित एक मूलधन पर 8% प्रति वर्ष दर पर 2 वर्ष में जो भी ब्याज मिलता है उसका अंतर 240 रुपया है। तो हम लोगों को निकालने के लिए बोला है फाइन सम। तो यहां पर हम लोगों को कैपिटल निकालना है। तो इसको दो तरह से करते हैं, एक तो कन्वेंशनल मेथड होता है और दूसरा होता है कंसेप्ट समझकर शॉर्ट में बनाना। तो इसका क्या है, CI और SI का अंतर हम लोगों को दिया है 240 रुपया। ओके, तो CI का फॉर्मूला क्या है, CI का फॉर्मूला है P1 + R/100। यहाँ पर टाइम होगा फिर ये हो गया हम लोगों का CI। और SI का फॉर्मूला क्या है, P × T × R/100 = 240। अगर हम लोग इस फॉर्मूला में इस गणित को सॉल्व करेंगे तो लगभग 2 मिनट समय लगेगा या फिर 1.5 मिनट समय लगेगा। लेकिन हम लोगों को यह गणित इस मेथड से बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि एग्जाम्स में हम लोगों को समय बहुत ही कम मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जहां पर शॉर्टली किस तरह से हम लोग किसी भी CI और SI के सवालों को कर सकेंगे उस बारे में डिस्कस किया है। तो यहां पर मैं अब उसी मेथड को यूज करके बहुत ही शॉर्ट में बनाने जा रहा हूं क्योंकि ये मेथड को तो हम लोगों को नहीं करना है। अगर आपको यह मेथड करना है तो इसको आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो, यहां से बनेगा, लेकिन इस मेथड से हम लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट फॉलो करेंगे रेट। रेट कितना है, 8% मतलब दर। अब क्या दिया है हम लोगों को, अब दिया है टाइम 2 साल। और CI और SI का डिफरेंस कितना दिया है, CI और SI का डिफरेंस दिया है हम लोगों को 240 रुपया। अब निकलना है हम लोगों को सम, अब निकलना है हम लोगों को सम। सम मतलब होता है मूलधन। तो डायरेक्टली जो हम लोगों ने सीखा उस मेथड को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो CI 8% का 2 वर्ष में कितना होगा, 8% का 2 वर्ष में CI होता है 8% + 8% + 8%। ओके, इस तरह से हम लोगों को यह मेथड देखना है या फिर इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने इसमें डिस्कस तो कर ही लिया है। तो इस मेथड को हम लोग इस तरह से लिख के लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे इसका 8% का क्या होगा, 2 वर्ष का 16.64% होगा। ओके, CI। और SI क्या है, SI तो कितना होगा, 8% होगा + 8%, क्योंकि SI में तो ब्याज का ब्याज मिलता ही नहीं है। तो डायरेक्ट कितना हो गया, ये हो गया हम लोगों का 16%। SI हो गया 16%, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 16.64। अब ये 16.64 कहां से आ रहा है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इस पर मैंने चार्ट भी दिया है, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो CI का वैल्यू कितना निकला, CI का वैल्यू निकला 16.64 और SI का वैल्यू निकला हम लोगों का 16%। ओके, तो मैं यहां पर बना रहा हूं अब इसको, इस मेथड को। तो CI - SI, CI का वैल्यू कितना है 16.64, SI का वैल्यू कितना है 16%। तो डिफरेंस कितना हुआ हम लोगों का, इसमें ये घटाएंगे तो हम लोगों का आएगा 64%। 64%, यही 64% बराबर होता है हम लोगों का 240 रुपया। तो आप देखते हैं 64% = 240, 1% = 240/0.64।
अब हम लोगों को निकालना है 100%, क्योंकि 100% में हम लोगों को क्या निकलेगा, सम सम निकलेगा। अब आया 240 बटे 0.64 इंटू 100। अब यहाँ पर पॉइंट है यहाँ पर, तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर 100 बिठा सकते हैं। ओके चलिए, जगह थोड़ा छोटा हुआ तो मैं थोड़ा इसको बढ़ा करके लिखूंगा, तो क्या होगा 100% बराबर होगा 240 बाय 0.64। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 100 जाएगा। अब ये 100 हम लोगों का यहाँ आएगा, तो दो ठो 100 है, कन्फ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। यहाँ पर 0.64 था इसलिए इसकी 100, और ये 100% हम लोगों को यहाँ से 100% हम लोगों को निकालना है। तो 64 को 16 8 8 64 होगा, 8 से 3 बार जाएगा, 8 3 24, और फिर 4 से 2 बार जाएगा, तो 4 से इसको 25 बार जाएगा, 2 से फिर इसको कितना बार जाएगा, 50 बार जाएगा। आप देखिए 25 पंच 125 125 तिया कितना होगा, 3 5 15 का 125 आया शून्य, और हम लोगों को यहाँ पर 30 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो कितना आएगा 100 1250 गुना 30 कितना आएगा, 0 0 गया, 3 5 15 का 5, हाथ में 1 3 2 6 1 7, 3 1 3, तो 3750 हम लोगों का आंसर आया। ओके तो इस तरह से हम लोगों को शॉर्टली करना है, इस मेथड में बिल्कुल जाना नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इस तरह से हम लोगों को जो की पॉइंट दिया होता है उसको पकड़ना है। तो 37,500 रुपए का आंसर है। तो ये नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर भी सेम है, डिफरेंस बिटवीन CI और SI, यहाँ पर होगा बिटवीन, ओके डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम फॉर 2 ईयर्स एट 8% पर एनम इज 768 रुपीज द सम। वही सवाल है यहाँ पर भी, CI और SI का अंतर दिया है 768 रुपया, और यहाँ पर क्या क्या दिया है हम लोगों को, रेट दिया है 8%, उसके बाद दिया हम लोगों को टाइम जो है 2 साल, और हम लोगों को निकालने के लिए बोला है सम। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, CI 8% 2 वर्ष में कितना होता है, ये होता है 16.64। अब ये 16.64 कैसे हो रहा है, इसके लिए प्लेलिस्ट में जाना है, CI के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, वहां पर देखेगा तो इसका आप लोगों को पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। और SI 8% 2 वर्ष में कितना होगा, 16%। अब ये 16% क्यों हो रहा है, क्योंकि SI में ब्याज के ऊपर ब्याज कभी बढ़ता नहीं है, ये 8% है, तो पहला साल 8%, दूसरा साल 8%, 8 8 होगा 16। अब ये 16.64 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 का 8% तो बढ़ेगा, 8 में 8% फर्स्ट ईयर 8% होगा, उसके बाद फिर 8% होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस 8 के ऊपर 8% और हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए ये बन जाता है ये। और इसमें SI में क्या होता है, SI में होता है 8% प्लस 8% सीधा, इसमें ब्याज का ब्याज जुड़ता नहीं है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया हम लोगों का 64, क्योंकि 16.64 में 16 घटाएगा तो 64%, प्रतिशत में डिफरेंस ये हुआ, पैसे में डिफरेंस है 768। अब हम लोग इसको आराम से कर सकेंगे, 64 6.4% इज इक्वल टू 768, 1% इज इक्वल टू 768 बाई 0.64। अब हम लोगों को निकालना है 100%। अब 100% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सम निकालना है। ओके तो इसका क्या होगा, हम लोग करेंगे तो 768 अपॉन 0.64 यहाँ पर होगा 100। अब ये डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 1 2 1 2, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 1 2, इसलिए यहाँ पर 0 0 हो गया। अब हम लोग इसको काटेंगे, 8 8 64, 8 9 72, 8 6 48, कट गया 8 से, फिर 8 से हम लोग कितना बार जाएंगे, 12 बार जाएंगे, तो 12 और ये 100 100 कितना होगा, 10,000, और 12 करने से कितना होगा, 12 × 100 × 100 अगर हम लोग करेंगे तो 12 1 12, 1 2 3 4 1 2 3 4, हम लोगों को इस तरह का है तो सिर्फ 12 का ही गुना करना होगा, 00 00 तो सेम आएगा, तो 1,20,000 हम लोगों का सम है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों को अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा मुझे किस तरह के सवालों को डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर वीडियो।